ये बोल रहा है कि ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड इज आर टेकन 5 किलोमीटर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, सपोज एक ट्रेन है, ओके, जा रहा है वो 360 किलोमीटर जा रहा है, ओके, एक यूजुअल स्पीड में जा रहा है, ओके, हमेशा यूजुअल स्पीड में हो जाता है, ओके, ठीक है। तो वही पूछा है व्हाट इज द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमेशा जो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन जो हमेशा जाता है, लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो पूछता है बच्चों लीनियर इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जो पूछता है उसे एक्स ले लेंगे, लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या लेंगे, एक्स क्या किलोमीटर पर आवर, लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन आएगा एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमेशा जाता है और वो डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस वो कितना जाता है हमेशा 360 किलोमीटर जाता है। ओके, तो यूजुअल टाइम हमेशा का टाइम उसका कितना, उसको हमेशा कितना टाइम लगता है, यूजुअल टाइम हमारा टाइम होता है डिस्टेंस बाय क्या स्पीड। ओके, दैट इज 360 बाय कितना एक्स, ठीक है, ये आपका यूजुअल टाइम हो जाएगा, इतना आवर आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर का किलोमीटर है और यहाँ पर स्पीड किलोमीटर पर आवर है, तो इतना आवर आ जाएगा, ठीक है। तो सपोज हमेशा आप ले लीजिए कि आपका ब्रह्मपुर से भुवनेश्वर, ओके, ब्रह्मपुर से आपका भुवनेश्वर जो है ये 360 किलोमीटर का है डिस्टेंस। ओके, तो हमेशा एक गाड़ी पूरा एक यूजुअल स्पीड में, सपोज हमेशा सपोज वो 80 किलोमीटर पर आवर में आता है हमेशा, जब 80 किलोमीटर आवर आता है तो ये डिवाइड करोगे तो हो गए हमारा टाइम होता है डिस्टेंस में 360 बाई 80 करोगे तो वो जो आएगा सपोज 40 ले लेते कि ऐसा कुछ, ओके, तो हमेशा इतना टाइम लगता है, ठीक है। अब उसका क्या है, ये हमेशा के रेगुलर का टाइम रेगुलर का ये होता है, ठीक है। तो वैसे तुम्हारा ये यूजुअल ये डिस्टेंस दिया है, ओके, और इसका हम जो पूछा है हम एक्स लेंगे, इसमें पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन हम एक्स लेंगे, जो पूछता है उसे एक्स ले लीजिए, ओके, देन यूजुअल टाइम ये लगेगा डिस्टेंस पर, ठीक है, हमेशा। अब उसमें स्पीड में थोड़ा चेंज किया, क्या चेंज किया, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो अब स्पीड थोड़ा बढ़ाया, ओके, तो अभी न्यू स्पीड, अभी क्या है न्यू स्पीड, न्यू स्पीड, तो मैं न्यू स्पीड कितना, पहले एक्स किलोमीटर पर आवर में आ रहा था, अभी 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, ओके, अभी 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, वही डिस्टेंस क्या है आपका 360 किलोमीटर, वही डिस्टेंस, ओके, तो अभी न्यू टाइम कितना आएगा, वही 360 किलोमीटर डिस्टेंस है, ओके, पहले वही जो सेम डिस्टेंस है, ओके, अभी न्यू टाइम सिर्फ स्पीड में चेंज है, न्यू टाइम, तो न्यू टाइम कितना आएगा, ओके, न्यू टाइम आएगा तुम्हारा डिस्टेंस बाय स्पीड कितना आएगा, 360 बाय एक्स प्लस 5, डिस्टेंस बाय स्पीड तुम्हारा कितना आएगा 360 बाय कितना एक्स प्लस 5, ये आपका न्यू टाइम इतना आवर आएगा, न्यू टाइम आएगा, ओके। सपोज तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा तुम्हारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आगे, ये यूजुअल टाइम कितना 360 बाय एक्स, यूजुअल टाइम, और ये आपका न्यू टाइम, ओके, 360 बाय कितना एक्स प्लस 5, ये दो टू टाइम है, ओके। सपोज पहला 4 घंटा लगता था, ओके, वो बोल रहा है कि अभी स्पीड जब बढ़ाने के बाद इट टेक्स 1 आवर लेस, ओके, पहले 4 घंटा लगता था, अभी 3 घंटा लगता है। अच्छा एक बात बोलिए, ये 3 घंटा क्यों लगता है, अभी पहले 4 घंटा लगता था, अभी 3 घंटा क्यों सर, क्योंकि स्पीड कम गया सर, स्पीड बढ़ गया इसलिए, जब स्पीड ज़्यादा बढ़ता है, स्पीड में जब गाड़ी ज़्यादा जाता है तो कम टाइम लगता है उसको, ओके, कवर दैट सेम डिस्टेंस, ओके। तो देखो, तो पहला ये यूजुअल स्पीड में जाता था, वही डिस्टेंस यूजुअल टाइम से 4 घंटा लगता था आपको ब्रह्मपुर से भुवनेश्वर, अभी इसका स्पीड बढ़ा दिया, गाड़ी बहुत स्पीड में आ रहा है, ओके, तो अभी ये 3 घंटा लग रहा है, क्यों 3 घंटा लग रहा है, क्योंकि स्पीड बढ़ गया,
अभी 1 घंटा कम हो गया यहाँ पर, तो 1 घंटा किस में ऐड करने से दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों का में ये है कि हाँ जब स्पीड बढ़ा दिया 1 घंटा कम लग रहा है। ओके पहला 4 घंटा लग रहा था, अभी 3 घंटा लग रहा है, अभी 1 घंटा कहाँ पर ऐड करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। सर 3 घंटे में, सर तीन नहीं घंटे में राइट, तो 1 घंटा मैं इधर ऐड करूंगा, तभी ये भी 4 घंटा होगा, ये भी 4 घंटा होगा। ये कम टाइम क्यों लगा समझे, ये कम टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि गाड़ी स्पीड में जा रहा है। सर ओके तो जब गाड़ी स्पीड में जा रहा है 1 घंटा कम ले रहा है, तो आगे 1 घंटा इधर में ऐड कर दूंगा, ये भी 4 घंटा हो जाएगा, ये भी 4 घंटा हो जाएगा। ये मैं तुम्हारा एग्जाम्पल के लिए, ओके समझाने के लिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया, एक तरफ एक्स कर दीजिए, 360 बाई एक्स माइनस 360 बाई कितना एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। आप तुम आप इक्वेशन क्या आया मुझे बोलिए थोड़ा, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा, देखते हैं क्या होगा उसका। और चलिए अच्छा, तो इसका इक्वेशन बच्चों आया, देखो इसका एलसीएम कितना आया, देखो सर x² + 5x - 1800। अच्छा इसको सॉल्व भी कीजिए, आप कोशिश कीजिए। देखो इसका इक्वेशन आपका एक्स आया और क्या x + 5 * आएगा। ओके इनका एलसीएम आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, इसे इसे जब डिवाइड करोगे ये एक्स, ये दोनों से डिवाइड करोगे, एक्स कट जाएगा x + 5, तो 360 * क्या आ जाएगा x + 5। अगर x + 5 जब ये दोनों से डिवाइड कर दोगे, ओके एक्स रहेगा तो ये -360x इक्वल टू 1। ओके जब ये डिवाइड करो x + 5 कट जाएगा, ये एक्स रहेगा x * 360 360x। देन बच्चों देखो ये तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या आ रहा है नीचे, x² + 5x, ये नीचे आ रहा है x² + 5x, ये ऊपर इंटू कीजिए 360x प्लस 500 5 6 33 5 15 3 1800 आ रहा है। ओके -360x इक्वल टू 1, ठीक है। देन तुम्हारा देखो +360x -360x कट जाएगा, देन डिवाइड ये उधर इंटू कर दीजिए, ओके योर x² + 5x इक्वल टू 1800। ओके देन तुम्हारा x² + 5x -1800 इक्वल टू 0। अगर आप लोग को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं आता है कुछ बहुत सारे बच्चों को, उसको डी मेथड में कीजिए। ओके अगर ये बड़ा होगा तो डी मेथड में करना होगा। ओके ठीक है, लेकिन हमेशा कोशिश करेंगे हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में थोड़ा इजी होता है। ओके देखिए 2 में काटिए 90 आएगा, तो रुकिए थोड़ा, मैं कर रहा हूँ, ये 300 आएगा, 3 कीजिए 100 आएगा, ये 45 और समथिंग कुछ आएगा। ओके अगेन 2 में कीजिए 250। ओके देखिए ये कितना बन रहा है, ये तुम्हारा 59। ओके एक तो उसका 45 जरूर आया, 5 10, एक तो 45 उसका जरूर आएगा, 45 और समथिंग ये। ओके ये 5 10 जा, ओके ओके देखो 3 3 9 5 45, 3 3 9 5 45, और ये 2 2 4 5 20, और इंटू टू 40 और 45। हाँ 40 और 45। ओके देखिए 3 3 9 5 45, ये 2 2 4 2 2 4 5 20 इंटू 240 40 और 45। ओके तो क्या कीजिए, 45x माइनस 40x का दो रूल से ऐड करने से इनका ये आना 5x, और इंटू करने से 1800 आना। ओके अगर नहीं होता सर तो बेस्ट मेथड आपको नहीं आता, डी मेथड में कोशिश कीजिए। ओके इधर एक्स और इधर एक्स, ओके यहाँ पर एक्स जाएगा तो x + 45, यहाँ पर -40 जाएगा तो ये भी x + 45 इक्वल टू 0, ठीक है। देन देखिए आपका ये x + 45 और ये x - 40 इक्वल टू 0, तो ये इसे भी इक्वल टू करो 0 करोगे तो x = -45 आएगा, इसे भी इक्वल टू 0 करोगे x = +40, इतना किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये रिजेक्ट हो सर रिजेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि स्पीड नेवर भी नेगेटिव, ये रिजेक्टेड होगा। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना था, 40 किलोमीटर पर आवर। ओके ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए और एक तो करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। ओके एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस
देन ए पैसेंजर ट्रेन ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग एनी कंसिडरेशन ऑफ द टाइम टू स्टॉप एट एनी इंटरमीडिएट स्टेशन, कहीं पर रुकता नहीं है. ओके ओके द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज average speed of the train is 11 km more than the passenger train. Then the what is the average speed of the two train? Okay, अच्छा देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 11 किलोमीटर ज़्यादा है, एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 11 किलोमीटर ज़्यादा है. ओके इसका स्पीड ज़्यादा है किससे, पैसेंजर ट्रेन को. तो पैसेंजर ट्रेन को हम एक्स लेंगे. लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन क्या लेंगे, पैसेंजर ट्रेन का स्पीड क्या लेंगे, दैट इज कितना एक्स किलोमीटर पर आवर. ओके यहाँ पर बच्चों इसमें तो इसमें लिखता है तो थोड़ा लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है. ओके एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है. लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन कितना एक्स किलोमीटर पर आवर, और थोड़ा हैंडराइटिंग भी ठीक नहीं हो रहा है इसमें. ओके ठीक है. तो स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन कितना होगा, स्पीड ऑफ सर एक्स प्लस 11. स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन आएगा आपका एक्स प्लस कितना 11 किलोमीटर पर आवर. ओके किलोमीटर पर आवर, ठीक है. तो देखिए अभी दो टो स्पीड है लेकिन डिस्टेंस दोनों में सेम है. ये वो जितना डिस्टेंस जा रहा है ये भी वही डिस्टेंस जा रहा है. कितना डिस्टेंस जा रहा है वो कहाँ से कहाँ तक, वो मैसूर से बेंगलोर, ये दोनों का डिस्टेंस 132 किलोमीटर. तो इसका वही सेम डिस्टेंस है 132 किलोमीटर. ओके लेकिन उन लोग का स्पीड अलग है, ये थोड़ा 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा जाता है, ये यूजुअली जाता है जो आपका पैसेंजर ट्रेन उसी स्पीड जाता है. ओके और एक्सप्रेस ट्रेन से 11 किलोमीटर ज़्यादा है. इसका टाइम आएगा यूजुअल टाइम जो कि इस पैसेंजर ट्रेन हमेशा उसका आपका स्पीड हो जाता है. यूजुअल टाइम आता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना 132 बाई स्पीड कितना एक्स, ये इतना आवर आएगा. ओके क्योंकि ये आवर है, ठीक है. इसका भी टाइम आएगा, हमारा जो एक्सप्रेस ट्रेन का भी टाइम निकाला जाएगा. इसका टाइम आएगा डिस्टेंस में कितना स्पीड, डिस्टेंस इसका कितना वही 132 है लेकिन इसका स्पीड अलग है कितना एक्स प्लस 11. ये दो टो स्पीड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो टो टाइम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो टो टाइम है आपका. ओके पहला पैसेंजर ट्रेन का टाइम है 132 बाई एक्स. ओके और ये एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है 132 बाई एक्स प्लस 11. ये दो टो टाइम है. ओके बात ये है कि ये बोल रहा है कि द एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन. अगर सपोज पैसेंजर ट्रेन तुम्हारा चल लेता है 4 आवर्स, लेट 4 आवर लेता है, ये 1 घंटा कम लेता है. 1 घंटा कम क्यों लेता है बच्चों, एक्सप्रेस ट्रेन इसका स्पीड ज़्यादा है तो इसका स्पीड बड़ा है, स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है. हाँ वेरी गुड. ओके तो इसका स्पीड थोड़ा ज्यादा है बोल के ये 1 घंटा कम लेता है. सपोज ये 4 घंटा लेता है तो ये 3 घंटा लेगा क्योंकि स्पीड में जा रहा है. अभी 1 आवर कहाँ पर ऐड करूँ, बोला कि 1 आवर ही लेस बोल रहा है. ओके अभी 1 आवर कहाँ में, अगर 1 आवर कहाँ पर ऐड करूंगा दोनों, हाँ 1 आवर कहाँ पर ऐड करूंगा दोनों इक्वल आएगा. 1 आवर इसमें ऐड करेंगे ये भी 4 घंटा हो जाएगा, ये भी 4 घंटा. ये आप ऊपर वाला मैं एग्जांपल दिया तुम्हें समझाने के लिए, ये 4 घंटा लेता तो ये आपका, ये 4 घंटा लेता तो ये आपका 3 घंटा लेता है, 1 आवर लेस लेता है क्योंकि स्पीड में जा रहा है, ठीक है. तो 1 इधर ऐड करो, नहीं तो और एक बात भी हो सकता है, इधर 1 आवर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो. इधर 1 आवर सब्ट्रैक्ट करोगे ये भी 3 घंटा हो जाएगा, वो भी 3 घंटा हो सकता है, नहीं तो +1 इधर आना तो -1 ही होगा, ठीक है. दो बात हो सकता है, इधर इधर 1 ऐड करो ये 4 घंटा तो भी 4 घंटा हो जाएगा, नहीं तो इसमें 1 आवर सब ट्रैड करो एल्स. ओके इसमें 1 आवर सब ट्रैड करो तो ये भी 3 घंटा हुई, वो भी 3 घंटा हो जाएगा. फिलहाल मैं यहाँ पर 1 आवर ऐड कर दिया, ये भी 4 घंटा, ये भी 4 घंटा, ठीक है. यहाँ पर 1 आवर कम ले रहा है क्योंकि वो स्पीड में दे रहा है. अभी इसको इक्वेशन को सॉल्व करो, इक्वेशन क्या है बोलो. देखो ये तुम्हारा
ये एक तरफ एक्स कर दीजिए आप, 132x माइनस कितना 132 बाई एक्स प्लस 11। ओके सभी इस तरफ ले लीजिए। ओके प्लस इस तरफ सर, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452, तो प्लस इस तरफ आ गया माइनस हो गया। ओके देन अभी देखो इसका एलसीएम ले लो एक्स और क्या एक्स प्लस 11। ओके ये डिवाइड कर दोगे ये एक्सेस कर जाएगा तो 132 से इंटू हो जाएगा। ये डिवाइड कर दो एक्स कर जाएगा 132 एक्स प्लस 11 से, समझे बच्चों? ये डिवाइड करोगे दोनों से एक्स कर जाएगा एक्स प्लस 11 रहेगा, एक्स प्लस 11 132 से इंटू होगा। ये एक्स प्लस 11 दोनों से डिवाइड कर दो, एक्स प्लस 11 कट जाएगा एक्स रहेगा ये माइनस 132x, ये माइनस के साथ लोगोगे ठीक है इक्वल टू वन। ओके नेक्स्ट ये इंटू करो दोनों से इंटू करो ये 132x आएगा और ये प्लस 11 इंटू 132 देखिए कितना आ रहा है सर 1452। 1452 श्योर तो बच्चों? यस सर। 11 टू 22 2 11 थ्री 33 प्लस 2 35 3 11 से 11 प्लस 3 14 माइनस कितना 132x। ओके डिवाइडेड बाय कितना यहाँ पर इसको भी इंटू कर दीजिए आप एक्स स्क्वायर प्लस कितना 11x इक्वल टू 1 ठीक है। और नेक्स्ट बार आपका प्लस 132x माइनस 132x कट जाएगा। ओके ये 1452 इक्वल टू कितना इसे इंटू कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 11x। ओके ये डिवाइड उधर 1 से इंटू होगा। ओके नेक्स्ट बच्चों इधर तुम्हारा क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x ये प्लस 1452 उधर ले लीजिए 1492 ये प्लस उधर जाके माइनस होगा, प्लस उस तरफ चला जाएगा माइनस हो जाएगा। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू क्या ठीक है जीरो। तो देखो माइनस 1452 ठीक है। अब बच्चों उसको ये करते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कोशिश करते हैं, अगर हाँ 11 चाहिए तो ये शायद 33 और 22 ऐसा कुछ आएगा लगता है मुझे। ओके 33 22 कुछ ऐसा आएगा मुझे लग रहा है। हाँ 44 33 आएगा ठीक है। हाँ लेकिन बनाते थोड़ा देखो 1452 ओके पहले 2 में जाएगा 27 जब 14 22 जब 4 ओके 22 जब 4 और 1 रहेगा 12 टू 6 ओके 27 14 22 जब 4 और 1 रहेगा 12 ओके 23 जब 6 और 1 12 ओके और 26 जब 12 23 ओके अगेन ये 3 में जाएगा 31 जब 3 32 जब 6 और ये 31 ओके वाई 11 का स्क्वायर 121 होता ठीक है। आपका 4 इंटू 11 44 और 33 ठीक है। तो आपका क्या कीजिए 44x माइनस 33x उसका दो रूल से ऐड करने से 11x होना है और इंटू करने से माइनस ये इंटू करोगे ना ये आएगा माइनस 1452x का, तो इसका दो रूल से ऐड करने से होना और इंटू करने से माइनस 14 ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। देन ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर ओके आई बच्चे इसमें क्या कॉमन जाएगा x जाने से x प्लस 44 और इसमें माइनस 33 जाएगा तो ये x प्लस 44 आएगा। देन बच्चे ये x माइनस 33 और ये x प्लस 44 इक्वल टू 0। देन बच्चे ये क्या आपका आएगा 33 किलोमीटर x इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर ओके और ये x इक्वल टू x इक्वल टू माइनस 44 किलोमीटर। तो बच्चों स्पीड का भी नेवर भी नेगेटिव हो के ये रिजेक्ट हो जाएगा और आपका ये आपका क्या आएगा तो हमारे दो तो स्पीड निकालना है तो ये x आया किसका स्पीड आया x किसका स्पीड आया लिखोगे हैंड्स में लिखोगे एंड द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन कितना आया 33 किलोमीटर पर आवर ओके और एक्सप्रेस ट्रेन का कितना स्पीड आएगा 33 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। ये पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आई भी एनसीईआरटी। ओके चलिए इसको थोड़ा इक्वेशन क्या आएगा थोड़ा बोलिए मन से, ये क्या इक्वेशन, ये क्या है उसको, जैसे मैं कर रहा था वहां तक आप जा। आपका इक्वेशन आया बच्चों कहां तक आया? देखो तो ये ट्रेन का यूजर स्पीड ले लो। ओके लेट द यूजर स्पीड ऑफ द ट्रेन हमेशा जाना ना करता टाइम। ओके लेट द यूजर स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या ले लीजिए, दैट एक्स किलोमीटर पर आवर। इक्वेशन टीएक्स पर माइनस 24एक्स माइनस 3840। अच्छा ठीक है, लेट द यूजर स्पीड ऑफ द ट्रेन इज एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके तो डिस्टेंस क्या है जो ट्रैवल करता है टाइम? ओके डिस्टेंस 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर पर क्या आवर। ओके तो आपका यूजुअल टाइम कितना आ जाएगा, यूजुअल टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट इज 480 बाय कितना एक्स, इतना आवर हो जाएगा। ठीक है आओ, ये आपका यूजुअल टाइम हो जाएगा बच्चों। ठीक है आओ, तो अभी क्या है कि न्यू स्पीड दिया होगा उसका। ओके इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस तो न्यू स्पीड एक्स माइनस 8। अभी ये न्यू स्पीड दिया होगा कितना, दैट इज के पहला जितना में था उसमें 8 किलोमीटर कम जा रहा है। ओके ये न्यू स्पीड है, इफ द स्पीड विल बी 8 किलोमीटर लेस। ओके आओ तो देखिए, तो वही डिस्टेंस जा रहा है, क्या डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। ओके तो न्यू टाइम कितना आएगा, न्यू टाइम आपका डिस्टेंस बाय स्पीड आएगा कितना, 480 बाय कितना एक्स माइनस 8। ओके डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके हाउ अभी बच्चों दो टो टाइम है आपका, ओके पहला यूजुअल टाइम है 480 बाय एक्स। ओके अभी ये न्यू टाइम है 480 बाय कितना एक्स माइनस 8। ठीक है अब बच्चों पहला वो बोल रहा है क्या, क्वेश्चन में बोल रहा है इट वुड हैव 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ओके तो पहला सपोज ये 2 घंटे में जाता था। ओके 2 घंटे में जाता था, जब ये स्पीड कम कर दिया, यहाँ पर स्पीड कम हो गया, अभी इसको 5 घंटा लग रहा है, 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। ओके 5 घंटा क्यों लग रहा है, यहाँ पर 5 घंटा क्यों लग रहा है, ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, इधर स्पीड कम हो गया, काम हो गया, पहले 2 घंटा मिल जाता था, जब स्पीड कम हो गया तो 5 घंटा लग रहा है, अभी 3 आवर किस में ऐड करूंगा सो दैट दोनों इक्वल होगा, 2 आवर्स में ऐड करूंगा। ओके तो यहाँ पर मैं 3 आवर्स में ऐड करूंगा। ठीक है अभी इक्वेशन हो गया, सब एक तरफ एक्स कर लीजिए। ओके बच्चों समझ में आया, ऊपर दोनों में एग्जाम्पल लिया, पहले 2 घंटा लगता था, अभी वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब स्पीड कम हो गया इट वुड टेक 3 आवर मोर। ओके तो ये 3 घंटा ज्यादा ले रहा है। ओके तो देखो यहाँ पर ये बच्चों ये यहाँ पर मैं तो बोल रहा है कि टू टेक 3 आवर मोर क्योंकि स्पीड कम है एक, हाँ जब स्पीड कम है ये 2 घंटा तो 5 घंटा लगता है क्योंकि स्पीड में कम है, तो 3 घंटा अगर इसमें ऐड कर दो दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा। ओके अब क्या करो, एक तरफ एक्स कर लीजिए बच्चों। ओके एक तरफ एक्स कर लीजिए, ये 480 बाय कितना एक्स माइनस 8 है माइनस 480 बाय इक्वल टू कितना 3 आवर्स। ठीक है अब बच्चों इसका एलसीएम जाएगा एक्स होल इनटू एक्स माइनस 8 एक्स माइनस 8 और क्या इनटू एक्स। ओके इसे डिवाइड करोगे दोनों से एक्स माइनस 8 कट जाएगा, एक्स रहेगा तो 480 कितना 480x आएगा। ठीक है ये आपका 480x आएगा। ये एक्स माइनस 8 एक्स माइनस, हाँ बोलिए सर इसमें 480 कॉमन लेके भी तो कर सकते हैं। हाँ एक ही बात है वो तो कट जाएगा। ओके ठीक है तो एक्स माइनस 8 डिवाइड करोगे तो एक्स माइनस कट जाएगा, एक्स बचेगा एक्स इंटू 480 इतना रहेगा माइनस। ओके ये एक्स डिवाइड करोगे दोनों से 480x एक्स
एक्स दोनों से कम, हाँ एक्स जब डिवाइड करोगे ये आएगा कितना, कट जाएगा एक्स माइनस एट मल्टीप्लाई आएगा 480 और किससे, यहाँ पर x डिवाइड करोगे दोनों से कट जाएगा, x माइनस एट बटे बचेगा, x माइनस एट बचेगा वो 480 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आओ इक्वल कितना, देन देखिए आपका क्या बन रहा है, ये 480x माइनस 480x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये माइनस था ओके बच्चों, ये माइनस था ओके, तो माइनस और प्लस हो जाएगा, प्लस कितना आ रहा है 800 3840 6 84 जो 32 प्लस 6 384 डिवाइडेड बाय कितना, हां डिवाइडेड बाय कितना, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू कितना, देखो कुछ कट जाएगा इसमें, प्लस 480x माइनस 486 कटता है, ये 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 डिवाइड हो सकता है इसमें, ये 3840 इक्वल टू, ये 3 होल कितना x स्क्वायर माइनस 8x, अगर ये 3 डिवाइड हो सकता है, देखो 8 3 11 4 15 15 3 से डिविजिबल है, 3 हो जाएगा, काट दीजिए 3 1 जाए 3 3 2 जाए 6 और 2 24 3 8 जाए 24 ओके, जो इसका सम अगर 3 से डिविजिबल है, इसका सम करो 8 11 4 15 इसका सम 15 जो 3 से डिविजिबल, तो ये डिविजिबल हो जाएगा, 3 से वही डिविजिबल है, उसका सम करोगे अगर वो 3 से डिविजिबल तो वो डिविजिबल हो जाएगा ओके। जब तुम देखो ये x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, इसका सॉल्व मत करो क्योंकि तुम्हारा इसमें सिर्फ इक्वेशन ही बोल रहा था, क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन, इस क्वेश्चन में सिर्फ इक्वेशन निकालना है, इसका पूरा सॉल्व नहीं करना है ओके। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, अच्छा चलिए निकालिए स्पीड ऑफ द ट्रेन, 1280 देखो कैसे हो रहा है, तो डी मेथड में करोगे 1280 बनाओ, अगे 8 चाहिए ओके, 26 जा 12 240 ओके 26 ओके, देन तुम्हारा 23 जा 6 22 जा 4 0 ओके, नहीं देखो 1 जा 2 ये 16 ओके 28 240 और 220 210 25 ओके 8 चाहिए बच्चों ओके, देखो ओके देखो ये 2 2 4 2 8 2 16 एक तो रखते हैं 16 20 बच्चों तो 5 टू जा 10 टू जा 20 ये 40 16 टू जा 32 हो जाएगा, तो 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32 ओके, 2 टू जा 4 टू जा 8 5 जा 40 40 एंड 32 माइनस 40x प्लस 32x बच्चों वही तो ना अलग कुछ आएगा सर, वही है माइनस 1280 इक्वल टू 0 के हो, आप जाइए एफ से चलिए एक्स कॉमन ले लीजिए एक्स माइनस 40 प्लस 32 ले लीजिए ओके, एक्स माइनस 40 ओके, देन एक्स प्लस 32 और ये एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0, तो नेक्स्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा ओके, तो यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन 42 किलोमीटर और एक है रिजेक्ट हो जाएगा, एक्स इक्वल डी सी इक्वल करोगे माइनस 32 ये रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों चलो एग्जाम्पलों का थोड़ा करते हैं, बोल रहा है कि ट्रेन ट्रेवल्स इन अ सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ ए डिस्टेंस 36 किलोमीटर देन ट्रैवल डिस्टेंस 72 किलोमीटर एवरेज स्पीड ऑफ दिस मोर देन द ओरिजिनल स्पीड इफ इट टेक्स 3 आवर कंप्लीट द टोटल जर्नी व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ओरिजिनल एवरेज स्पीड, जब आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन है थोड़ा बहुत तो ये रहेगा, लेट द ओरिजिनल एवरेज स्पीड जो पूछा है उसको आप ले लीजिए
जो हमेशा जो पूछता है उसका एक्स ले लीजिए। आप एवरेज में कंफ्यूज मत रहिए, वो स्पीड ही है, ओके, यूजुअल स्पीड है, ठीक है, एवरेज में कंफ्यूज मत हो जाए। सर एक इक्वेशन आया सर, 63 बाय x प्लस 72 बाय x प्लस 6 इज इक्वल टू 3। ओके, लेट द ओरिजिनल एवरेज स्पीड बी एक्स ऑफ द ट्रेन, ये आपका क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर है। लेट द ओरिजिनल एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या, एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके, इट टेक्स 3 आवर। अच्छा, पहला बात है दो टू डिस्टेंस है सर, 63 किलोमीटर ट्रेन ट्रैवल शॉर्ट एंड एवरेज स्पीड ऑफ ए डिस्टेंस 63 किलोमीटर, तो इसका टाइम होगा कितना, 63 बाय x डिस्टेंस बाय डिस्टेंस बाय स्पीड 63 बाय क्या x, और एक तो टाइम होगा एंड 72 एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर मोर x प्लस 6 अगेन, और एक तो टाइम आएगा, और एक तो टाइम आएगा तो स्पीड थोड़ा ये, और एक तो टाइम आएगा डिस्टेंस कितना 72 किलोमीटर, ओके, लेकिन टाइम जो बोल रहा है स्पीड जो है 6 किलोमीटर मोर देन द ओरिजिनल x प्लस 6 ये, ओके, ये टाइम आएगा और टोटल टाइम कितना है सर, 3 आवर्स। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नहीं समझ में आया बच्चों जो पूछता है, मैं एक्स लिए और ये तो पहला 63 किलोमीटर जा रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा, तो वही स्पीड में जा रहा है, एवरेज स्पीड में जा रहा है तो उसका टाइम किस, और अगेन 72 किलोमीटर जा रहा है टाइम डिस्टेंस इतना और उसका जो स्पीड जो है मोर देन द ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड से ज़्यादा है, तो इसका टाइम ये आएगा, ये टाइम और ये टाइम मिला के 3 घंटा बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू 63 बाई एक्स प्लस 72 बाई कितना एक्स प्लस 6 इक्वल टू 3 आवर्स, आंसर तो बनाए क्या आंसर आएगा, देखो इसका एलसीएम ले लो, एक्स इंटू एक्स प्लस 6 ये डिवाइड करो, एक्स कट जाएगा 63 इंटू एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 6 डिवाइड करो, एक्स प्लस 6 कट जाए, एक्स बचेगा ये 72x इक्वल टू 3 आवर्स। ओके, नहीं देखो यहाँ पर x इंटू एक्स कितना, जरा म्यूट कर दो बच्चों उसका आवाज आ रहा है। ओके, x इंटू एक्स कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ओके, इंटू करो 63x, 6 इंटू करो 6 जा 18 1 6 6 जा 378 प्लस 72x। ओके, जब 63 प्लस 72 कितना, देखो ये 3 से इंटू कर दो, ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ओके, अच्छा ये 135x। ओके, ये 3 दो 5 7 से 12 13 प्लस कितना 378, ठीक है 5 और 1 6 जो 12 1 13, ठीक है क्या इसमें 3 कॉमन जाएगा, 5 3 8 9 इसमें 3 कॉमन जाएगा, इसमें 3 7 10 18 इसमें भी 3 कॉमन जाएगा, तो काम कीजिए इसमें 3 कॉमन ले लीजिए, 3 4 जा 12 1 15 3 5 जा 15, क्योंकि इसका सम करोगे, इसका सम 5 3 8 9 आ रहा है, 9 3 से डिविजिबल है तो 3 इसमें कॉमन जा सकता है, इसमें सम करोगे 8 7 15 3 18 18 इसका सम 18 आ रहा है तो 3 से डिविजिबल है तो इसमें 3 कॉमन जा सकता है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 1 18 3 6 जा 18, ओके इक्वल टू 3 कितना x स्क्वायर प्लस 6x। ओके, ये 3 ये 3 काट दीजिए, ओके सब उस तरफ ले लीजिए, ये प्लस 45x उधर जाने से माइनस 45x, प्लस 126 माइनस उधर जाने से माइनस 126, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर x स्क्वायर हो गए माइनस 45 जाने से कितना माइनस 39 बन रहा साइड, ओके
माइनस 45 प्लस 6 माइनस 30 नेक्स्ट माइनस 126 इक्वल टू 0 ओके 126 को देखो क्या बन रहा है 3 में जाएगा 3 4 जा 12 3 2 जा अगेन 3 में जाएगा 3 1 जा 3 और 1 12 3 4 जा ओके ये 2 7 जा देखो कितना 14 एंड 9 ना देखो हमें चाहिए 39 चाहिए 21 माइनस 6 और 21 6 कितना हो रहा है नहीं 39 चाहिए थ्री टू जै सिक्स सेवन जै फोर्टी टू एंड थ्री तो माइनस 42x प्लस 3x ओके थोड़ा देखना पड़ेगा नहीं तो डी मेथड में करोगे और साथ 6 7 42 माइनस 3 ओके तो ये माइनस 42x प्लस 3x ओके इनको ऐड करने से माइनस 39x आना और इनको इनटू करने से माइनस 126 एक्स स्क्वायर आना तो वही सेटिस्फाई कर रहा है इनको इनटू करोगे माइनस आएगा 126 ऐड करो तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 126 इक्वल टू 0 ओके तो एक्स कॉमन ले लीजिए एक्स माइनस 42 प्लस 3 कॉमन ले लीजिए ये भी एक्स माइनस 42 आ जाएगा देन ये आपका एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 42 एज द स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना आएगा आपका एक्स इक्वल टू कितना ये माइनस 3 और एक्स इक्वल टू कितना 42 किलोमीटर पर आवर और ये रिजेक्ट हो जाएगा ओके एक्स इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर ठीक है बच्चों देखिए ये बोल रहा है कि ट्रेन ट्रैवलिंग इतना किलोमीटर इट वुड टेकन 48 मिनट्स आवर लेस देन द ट्रैवल द सेम टाइम इफ द स्पीड ऑफ द 5 किलोमीटर मोर ओके 8 किलोमीटर पर आवर मोर फाइंड द ओरिजिनल स्पीड लेट द यूजुअल स्पीड और ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या एक्स किलोमीटर पर क्या आवर ठीक है बच्चों सर ऑरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन आप एफ पे लिखे हैं सर ऑफ ट्रेन यस सर ठीक है लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज कितना एक्स किलोमीटर पर क्या आवर ठीक है थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसमें ठीक ढंग से हैंड राइटिंग नहीं हो पा रहा ठीक है तो देखिए अब उसका डिस्टेंस कितना दिया 360 किलोमीटर तो उसको और यूजर टाइम और ओरिजिनल टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड कितना इतना आवर आएगा ठीक है अभी न्यू स्पीड कितना बोलिए सर एक्स प्लस 5 बोला है 5 किलोमीटर मोर वही डिस्टेंस है तो न्यू टाइम डिस्टेंस में कितना स्पीड कितना
अच्छा दो तो टाइम लिख लीजिए आप, हो गए। एक टाइम में आपका कितना 360/x और एक टाइम में 360/x+5। अच्छा तो 48 मिनट लेट जा रहा है। ओके सपोज आपका ये 1 आवर, सपोज ये आपका 3 घंटा लगता है, सपोज इसको 3 घंटा लगता है लेट, इसको 2 आवर 12 मिनट्स लगता है, मीन्स 48 मिनट कम लगता है। ओके 48 मिनट कम लगता है, वही 48 मिनट किस में ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। 2 आवर 12 मिनट अगर ये 3 घंटा लगता है तो इसको 2 आवर 12 मिनट लगता है, 48 मिनट कम लगता है, तो इसमें 48 मिनट तो ऐड नहीं करूंगा, उसको आवर करके ऐड करूंगा। 48 बाय कितना 60। ओके मिनट 48 में ऐड करो तो गलत हो जाएगा, उसको आवर करके ऐड करोगे, 48/60 आवर करके ऐड करो, क्योंकि ये तुम्हारा किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर, ये भी टाइम आवर में है, ये टाइम आपका आवर में आ गया, डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके ये भी टाइम आवर में आ गया, इसको भी आवर करके ऐड करो, नहीं तो गलत होगा, 48 ऐड कर दो गलत हो जाएगा। ठीक है सो काट कूट कर सकते हो, एक तरफ एक्स कर दीजिए, 360/x माइनस 360/x+5, इसमें काटेंगे 12 में काट देते हैं, 12 4 जा 12 5 जा, कितना रहा है तो सॉल्व कीजिए, कितना रहा x का वैल्यू। देखिए इसका एलसीएम आपका क्या आएगा, x इंटू कितना